नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट। और मैं हूं आपका दोस्त हूं जरूर। दोस्तों आज हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज टूर ऑफ पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान की टूर पे है, पहला ओडीआई खेला जाए। पूरे मैच का विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करूँगा। सबसे पहले आप छोटा सा काम करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया साइट जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाई देंगे, और आप उस पर जा सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी किसी से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो में आते हैं। सबसे पहले वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया टूर का है सभी, और जो खास बात वेस्ट इंडीज की टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करी है उसने। अभी एक मैच जो उसने न्यूजीलैंड के साथ खेला उसको अच्छा बल्लेबाजी स्पेशली अच्छी रही और गेंदबाजी अच्छी रही, उसका नज़ारा हम पाकिस्तान के साथ पहले मैच में देख चुके हैं। वेस्ट इंडीज टॉस जीत के बल्लेबाजी के मुल्तान के ठोस पिच जो रनों से भरी हुई होती है, अक्सर मुल्तान की पिच में जो रन अच्छे निकलते हैं बल्कि गेंद ईजिली बल्ले पर आती है और थोड़ा बाउंस भी रहता है तो वहाँ बल्लेबाजी ईजी रहती है और गेंदबाजी के मुकाबले। और इसका पूरा फायदा वेस्ट इंडीज की टीम उठाया, साई हॉक ने हैंडल किया। और ये साई हॉक की परफॉर्मेंस हम न्यूजीलैंड मैच में देख चुके हैं, के मायर्स और उन्हें थोड़ा सा निराश किया। शाहीन आफरीदी अच्छी गेंदबाजी की बात करके निराश, तो शाहीन हॉक और ब्रुक्स ने जो पार्टनरशिप बिल्डअप किया। और एक चीज़ आपको देखो कि जैसे हरीश रॉक, शादाब खान, हसन अली, ये गेंदबाजी मोहम्मद नवाज, इस तरीके के गेंदबाज हैं पाकिस्तान टीम में जो किसी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। उसके बाद बावजूद शाहीन हॉक और ब्रुक्स ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, ठोस सदी शुरुआत रखी है, ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की कोशिश नहीं की है, रन गति को सिंगल डबल से चलाते गए और पूरे उन्होंने एक सेटअप सेट किया हुआ कि हमें 50 ओवर तक को मैच ले जाना है। और शाहीन हॉक की तारीफ करनी होगी, हमेशा से शुरू से मैंने इस बल्लेबाज को देखा और बहुत काम कंपोज रहता है लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी करता है बल्लेबाज। प्रेशर भी बहुत जल्दी नहीं आता और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं अपने आप को, उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। कई बार क्या होता है कुछ बल्लेबाज अच्छा खेलते हैं लेकिन एक आध गेंद मिस होती है या एक आध गेंद को किसी गेंदबाज की पिटाई करते हैं, उसके बाद जब गेंदबाज ब्रटवार करता है, एक आध गेंद अच्छी डालता है या एक हल्की फुल्की नोकझोंक जिसे कह सकते हैं स्लाइडिंग क्रिकेट लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ वो होती है, तो वहाँ पर वो बल्लेबाज अपना आपा खोल देते हैं। साई हॉक के अंदर ऐसा नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी अपने रोल को बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करना, उसी प्रकार वो बल्लेबाजी करते हैं। और इसका उदाहरण 127 रन के हिसाब से देखा जा सकता है, ब्रुक्स ने 70 किए हैं, उसके बाद रोमन पावल 25 और शेफर्ड ने रोमन पावल ने 32 रन और शेफर्ड ने 25 रन की पारी खेली। हरीश रॉक लास्ट में आखिर उन्होंने 4 विकेट वेस्ट इंडीज की निकाली है, 1 विकेट पहले निकाली थी, 3 विकेट बाद में शादाब खान के 1 विकेट। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं रही, इतनी अच्छी वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी रही। 305 रन का टारगेट सेट किया, 306 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया है और बहुत बड़ा इसमें योगदान और साई हॉक, ब्रुक्स, रोमन पावल और रोहित शेफर्ड का जिस तरीके की बल्लेबाजी लास्ट में दोनों ने की, 20 गेंदों में 25 रन और 23 गेंदों में 32 रन, तो पावर हिटिंग परफॉर्मेंस था दोनों की तरफ से। गेंदबाजी में शाहीन आफरीदी 10 ओवर में 55 दौड़ के, हरीश रॉक 10 ओवर में 77 रन दे, पिटाई हुई है लेकिन विकेट निकाली और वो एंड में आगे निकाली जब तक कि वेस्ट इंडीज टीम के बल्लेबाज अपना काम कर चुके थे। और बल्लेबाजी की बात की जाए पाकिस्तान की बल्लेबाजी, तो पाकिस्तान ने पूरा पलटवार किया है, जो 305 रन का लक्ष्य था और बड़ा टफ लग रहा था लेकिन पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी हमेशा से पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी, यूँ कह सकते हैं तेज या स्पिन किसी भी फॉर्मेट की गेंदबाजी हो, चाहे स्पिन हो चाहे तेज, पाकिस्तान टीम एक अलग मुकाम रखती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में। फखर जमान और इमाम उल हक ने पारी की शुरुआत की, फखर जमान को हमने सीरियसली जल्दी निकाला लेकिन उसके बाद इमाम उल हक और बाबर आजम क्लास बल्लेबाज है, उस बल्लेबाज की उसकी जो एक शैली है, जो एक तरीका है, T20 हो, टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो, किसी मैच में बंदा हर सेकेंड इनिंग में बहुत दमदार परफॉर्मेंस करता है। सेंचुरी की इमाम उल हक ने 60 मारे और दोनों ही बल्लेबाजों ने जो एक लंबी पार्टनरशिप की, 150 से ऊपर की पार्टनरशिप की, और जो एक अमूमन ही वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की हो सकता है कि कहीं लड़खड़ा जाए, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत शानदार तरीके से मैच को संभाला, खुद को संभाला। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी को हार भी नहीं होने दिया, वेस्ट इंडीज टीम की गेंदबाजी अगर बात करते हैं, शेफर्ड और सीरियल्स ने जो ओपनिंग कराई, उसके बाद अल्जारी जोसेफ ने दो विकेट निकाले,
लेकिन वेस्ट इंडीज टीम में सब फास्ट बॉलिंग को अगर मैं देखना चाहूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है फास्ट बॉलिंग लाइनअप में। सीरस है, शेफर्ड है और अजारी जोसफ इकलौते गेंदबाज जो दिख रहे हैं, जो कि जिन्हें कुछ तजुर्बा है इंटरनेशनल मैचेस का, वो आई पी एल में अभी खेलते हैं, जिन्हें कुछ तजुर्बा। अदरवाइज सीरस शेफर्ड इस तरीके के गेंदबाज है कि वो बीच में दो चार छः ओवर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे गेंदबाजी की शुरुआत कराना चाहते हैं और एक मतलब टॉप फाइव गेंदबाजी में अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो आई हैव सम डाउट फॉर हिम, क्योंकि उस तरीके का गेंदबाज है नहीं। वो बीच में आके विकेट टेकर गेंदबाज है, उसके पार्टनरशिप देकर गेंदबाज है, लेकिन 10 ओवर कोटा प्रमुख गेंदबाज के तौर पर उन्हें खिलाना आई थिंक कहीं ना कहीं अकलमंदी नहीं रही वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से। खैर मार्च 6 ओवर की उन्होंने बल्लेबाज ऑलराउंडर अच्छी है, अकील हुसैन 1 विकेट 10 ओवर और हेडन वॉच को पूरा ओवर नहीं करा गया, ये एक मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगा कि जिस तरीके से हेडन वॉच का यूज नहीं किया जो एक पूरा ने, क्योंकि हेडन वॉच जिस तरीके गेंदबाज है मैच में उनका जो गेंदबाजी का एक एक्शन है, जो लूप उनकी गेंदबाजी में बनता वो अच्छा खासा दिक्कत देता है बल्लेबाजों को। और हेडन वॉच की प्रॉपर तरीके से यूज़ न करने का ही नतीजा है कि जिस तरीके से मोहम्मद हफ और बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान ने 55 रन, खुशदिल शाह ने 41 रन, तो टॉप ऑर्डर से लेकर नंबर 5 या 6 तक के बल्लेबाज 5 तक सारे चले, किसी बल्लेबाज को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी उस अलग दर्जे की नहीं रही कि पाकिस्तान जैसी सरकारी टीम को जिनके पास मोहम्मद हफ, बाबर आजम, फखर जमान और स्पेशली मोहम्मद रिजवान जिस तरीके के बल्लेबाज, ये अमूमन एज अ ओपनर खेलते हैं। मैं तो हमेशा पाकिस्तान मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान कोई टेस्ट मैचेस में अगर वो नंबर 2 सेकंड डाउन या थर्ड डाउन या फोर्थ डाउन बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट वनडे और T20 में मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए। जिस तरीके का वो बल्लेबाज है, जिस शैली में वो खेलते आई थिंक इज अ प्रॉपर बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं, आई थिंक बैट्समैन उस आला दर्जे का है, क्योंकि विकेट कीपिंग कर सकता है, विकेट कीपिंग में बहुत शानदार है। तो हम विकेट कीपर बल्लेबाज ना कहकर बल्लेबाज जो विकेट कीपर है वो हम कह सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से रिजवान की हर मैच में पारी देख सकते हैं, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे मैच हो, बंदे ने हर मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और जिस तरीके एक तरफा मैच लग रहा था जब पाकिस्तान बल्लेबाजी, जब इमामुल हक रिजवान भी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बाद बाबर आजम, फिर रिजवान, फिर खुशदिल शाह, तो ऐसा किसी भी वक्त नहीं लगा कि पाकिस्तान टीम किसी प्रेशर को महसूस कर रही है, तो गेंदबाजी वेस्ट इंडीज की उस दर्जे की थी नहीं कि इनको थोड़ा सा भी प्रेशर हो। फखर जमान अमूमन अपने आजकल मजबूर है, वो किसी भी गेंद को किसी भी शर्त किसी भी तरीके से खेल सकते हैं, तो उनका वो शॉट या तो बाउंड्री के बाहर जा सकता है या फील्डर के हाथों में जा सकता है, आउट 7 टाइम आउट ऑफ 10 वो फील्डर के हाथों में जाता है, तो एक फखर जमान को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से बाबर आजम, इमामुल हक, खुशदिल शाह, रिजवान, उन सब ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया और मैच को बहुत ईजिली जीता, बहुत मतलब कि प्रेशर लग ही नहीं रहा था कि हाँ वेस्ट इंडीज टीम की गेंदबाजी भी हो रही है, तो वेस्ट इंडीज को टीम को अपनी गेंदबाजी में मेहनत करने की जरूरत है और गेंदबाजी में एक बार फेरबदल करने की जरूरत है। आई थिंक शेफर्ड और शेफर्ड के बाद मेन फास्ट टीम की गेंदबाजी लाने की जरूरत है जो थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप कर सके ऑपोजिशन के ऊपर। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट में जा सकते हैं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।